सो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को होंडा एक्टिवा का जो नया वेरिएंट आया है एच स्मार्ट, यानी कि स्मार्ट की वाला वेरिएंट, उसी के मैं आप लोग को ईएमआई के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस 2023 मॉडल एक्टिवा एच स्मार्ट वेरिएंट को लेते हैं तो आप लोग को जो यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या कुछ देना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्या कुछ लेने वाली है कंपनी, और आप लोग को मंथली में क्या कुछ ईएमआई पे करना पड़ेगा, उसी के बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को स्कूटी और बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग को इस गाड़ी को फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में आप लोग को सबसे पहले तो दो आईडी प्रूफ देना है, जिस पर आप लोग अपना एक आधार कार्ड दे सकते हो, सेकंड जो आप लोग अपना पैन कार्ड दे सकते हो, एंड अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप लोग वोटर आईडी कार्ड को भी दे सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग को अपना जो है खाता लगने वाला है, जिसे हम लोग अकाउंट कहते हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग को दो चेक भी लगने वाला है, एंड अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप लोग को जो है अपने अकाउंट का 6 महीना का मिनी स्टेटमेंट लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग को अपना बिजली का बिल भी लगेगा, और साथ ही साथ में जो है आप लोग को दो फोटो भी लगने वाला है। सो आप लोग को इतना डॉक्यूमेंट लगने वाला है अगर आप लोग इस एक्टिवा 6G एच स्मार्ट वाले वेरिएंट को लेना चाहते हो ईएमआई पे। तो अब मैं आप लोग को इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर जो फाइनेंस कंपनी आपकी गाड़ी को फाइनेंस करेगी वो कितना कुछ इंटरेस्ट लेगी। सो यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में बात करी जाए तो लगभग जो है दोस्तों 10 से 12% तक का होता है, जो कि सालाना होता है, तो हम लोग यहाँ पर जो है 12% को लेकर चलेंगे। अब डाउन पेमेंट के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर जो आपकी जो गाड़ी की ऑन रोड प्राइस होगी उसकी आप लोग को मिनिमम 30% डाउन पेमेंट करना ही होगा। यानी कि गाड़ी की अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करी जाए तो लगभग आप लोग को 99,380 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा ऑन रोड 2023 में। और अगर हम लोग इस 99,380 रुपए का 30% निकाले तो लगभग जो है 29,814 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा। सो मिनिमम जो आप लोग को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा वो लगभग जो है 29,814 रुपए करना होगा अगर आप लोग इस एक्टिवा एच स्मार्ट वेरियंट को लेना चाहते हैं ईएमआई पे। तो ये तो बात हो गया डॉक्यूमेंट, इंटरेस्ट रेट और डाउन पेमेंट के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर ईएमआई निकालते हैं। सो सबसे पहले हम लोग 1 साल का ईएमआई निकालेंगे। तो मैंने तो आप लोग को डाउन पेमेंट के बारे में तो बता ही दिया था, जो कि लगभग जो है 29,814 रुपए के आसपास में करना होगा। तो हमारा गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है यानी कि 99,380 रुपए, इससे हम लोग अपने गाड़ी का जो है डाउन पेमेंट को माइनस कर दे तो हमारा गाड़ी का लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 69,566 रुपए का निकल के आएगा। अब इस 69,566 रुपए में मैंने तो आप लोग को बता ही दिया जो कि फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि इसका अगर हम लोग 12% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाले तो लगभग जो है 8,347 रुपए होता है। अब इस 8,347 रुपए और इस 69,566 रुपए को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा गाड़ी का टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 77,913 रुपए होता है। अब इस 77,913 रुपए को जो हम लोग को 1 साल में पे करना, यानी कि इसको जो हम लोग सिंपली 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईएमआई निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 6,492 रुपए का निकल के आएगा। जो कि अगर आप लोग 1 साल के लिए लेते हैं तो आप लोग को जो मंथली में ईएमआई पे करना होगा वो लगभग जो है 6,492 रुपए पे करना होगा। तो ये तो बात हो गया 1 साल का। अब हम लोग 1.5 साल का ईएमआई निकालते हैं कि अगर आप लोग इस गाड़ी को 1.5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को क्या कुछ ईएमआई पे करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर आपका डाउन पेमेंट तो सेम वही रहने वाला है, जो कि 29,814 रुपए का होगा। अब इस 29,814 रुपए को हम लोग अपने गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग से माइनस कर दे तो हमारा लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 69,566 रुपए का होगा। अब इस 69,566 रुपए पे मैंने तो आप लोग को बता दिया था जो कि फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि 12% लेगी। अब 12% के हिसाब से अगर हम लोग 1.5 साल का इंटरेस्ट निकाले तो लगभग जो है 12,521 रुपए होगा। अब इस 12,521 रुपए और हमारा गाड़ी का जो लोन अमाउंट है, इन दोनों को जोड़ दे तो हमारा गाड़ी का टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 82,087 रुपए के आसपास में होगा, जिसको कि हम लोग को जो है 1.5 साल में पे करना है। तो इसको हम लोग सिंपली 18 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा गाड़ी का ईएमआई निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 4,560 रुपए का होता है। सो अगर आप लोग यहाँ पर 1.5 साल के लिए लेते हैं तो आप लोग को मंथली में 4,560 रुपए पे करना होगा। तो अब हम लोग 2 साल का ईएमआई निकालते हैं तो डाउन पेमेंट तो आपका सेम वही रहेगा, जो कि 29,814 रुपए होगा, जिसको कि हम लोग अपने गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग से माइनस कर देंगे तो हमारा गाड़ी का लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 69,566 रुपए का होगा। अब इस 69,566 रुपए का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाले, जो कि 12% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट निकाले, तो लगभग जो है 16,695 रुपए होता है। अब इस 16,695 रुपए को जो है हम लोग जोड़ देते हैं अपने गाड़ी के लोन अमाउंट
से तो हमारा टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा जो कि लगभग जो है 86,261 रुपये निकल के आता है। अब इस 86,261 रुपये को जो हम लोग को दो साल में पे करना है तो इसको हम लोग 24 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मंथली EMI निकल के आ जाएगा जो कि लगभग जो है 3,594 रुपये निकल के आता है। सो अगर आप लोग यहाँ पर दो साल के लिए इस एक्टिवा 6G एस टी स्मार्ट वाले वेरियंट को लेते हैं तो आप लोग को मंथली में जो है 3,594 रुपये पे करना होगा। सो अब मैं आप लोग को ढाई साल और तीन साल के बारे में बता देता हूँ कि ढाई साल या फिर तीन साल में जो है आप लोग को क्या कुछ EMI पे करना होगा। सो मैंने जो है पहले से ही कैलकुलेशन करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ढाई साल के लिए, तो ढाई साल के लिए भी सेम आपका वही डाउन पेमेंट रहेगा और ढाई साल के लिए दोस्तों आप लोग को जो EMI पे करना होगा मंथली में वो लगभग जो है 3,014 रुपये के आसपास में करना होगा। और यहीं पर तीन साल के लिए बात करें तो इसमें भी आपका सेम वही डाउन पेमेंट रहेगा और तीन साल के लिए जो आप लोग को मंथली में EMI पे करना है वो लगभग जो है 2,628 रुपये पे करना है। सो मैंने तो यहाँ पर आप लोग को एक साल से लेकर तीन साल के EMI के बारे में बता दिया है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को जो है इंटरेस्ट क्या कुछ लगने वाला है और साथ ही साथ मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप लोग को जो है कितना कुछ EMI पे करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एक साल के लिए, तो इसमें जो आप लोग का इंटरेस्ट लग जाएगा दोस्तों वो लगभग जो है 8,347 रुपये का लग जाएगा जो कि इसकी अगर मंथली EMI के बारे में बात करें तो लगभग जो है आप लोग को 6,492 रुपये पे करना होगा एक साल के लिए। डेढ़ साल के बारे में बात करें तो डेढ़ साल में जो आपका इंटरेस्ट लग जाएगा वो लगभग जो है 12,521 रुपये लग जाएगा और डेढ़ साल के लिए जो आपको EMI पे करना होगा वो लगभग जो है 4,560 रुपये पे करना होगा। दो साल के बारे में बताऊँ तो दो साल में आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगभग जो है 16,695 रुपये लगेगा और दो साल के लिए जो आप लोग को EMI पे करना है वो लगभग जो है 3,594 रुपये पे करना है। ढाई साल के बारे में बताऊँ तो लगभग जो आप लोग का जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगभग जो है 20,869 रुपये लगेगा और जो ढाई साल में आप लोग को EMI पे करना है वो लगभग जो है 3,014 रुपये पे करना है। और यहीं पर मैं आप लोग को तीन साल के बारे में बताऊँ तो आप लोग का जो है 25,043 रुपये का जो है इंटरेस्ट लग जाएगा और आप लोग को मंथली में जो है 2,628 रुपये पे करना है तीन साल के लिए। सो दोस्तों मैंने आप लोग को इस एक्टिवा 6G एच स्मार्ट की वाले वेरिएंट का जो है मैंने फाइनेंस के बारे में बता दिया कि अगर आप लोग जो है EMI वगैरह पे लेते हैं तो आप लोग को जो है क्या कुछ मंथली में EMI पे करना होगा उसके बारे में मैंने आप लोग को सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आप लोग का कोई भी सवाल रह गया हो तो आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइट सेफ।